हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी एकदम नए तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली है। गाजर की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर को मैंने अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है और इसके दोनों साइड से कॉर्नर्स को हटा दिया है। दोस्तों, गाजर का हलवा आज हम बिना गाजर को कद्दूकस किए हुए बनाएंगे, तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम गाजर को सबसे पहले इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। दोस्तों, गैस पर मैंने कुकर लिया है। आज हम गाजर का हलवा कुकर में बनाएंगे। कुकर में बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा और ख़ास बात यह है कि ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गाजर को ना ही तो कद्दूकस करना पड़ता है और ना ही काफ़ी देर तक हम इसे चलाते रहना पड़ता है कढ़ाई में। और कुकर में मैंने ऐड किया है 2 चम्मच देसी घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई गाजर और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में। ऐसा करने से गाजर हल्के सॉफ्ट हो जाएंगी और गाजर का हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गाजर का। अब हम इसे ढक करके लगभग 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे इस तरह से। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। दोस्तों, लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और जो ये गाजर है वो हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। इस तरह से बनाए गए गाजर के हलवे में ना ही ज़्यादा दूध लगता है और ना ही ज़्यादा घी लगता है और बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा बन जाता है। साथ ही हम इसमें 1 कप दूध और डालेंगे। टोटल मैंने इसमें 400 ग्राम दूध डाला है, कप से है 2 कप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर को बंद करके लगभग 3 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। बहुत ही आसानी से मिनटों में ये हलवा बन जाता है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। 3 सीटी आ जाने के बाद कुकर को हम खोल लेंगे। ये देखिए, कुकर को हमने खोल लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो गाजर है वो एकदम अच्छे से पक गई है। अब हम इसे मैसर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो गाजर है वो एकदम अच्छे से कद्दूकस हो जाएगी। गाजर एकदम अच्छे से पक करके सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैशर की सहायता से हमने गाजर को एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं गाजर एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है दूध में। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा और एकदम अच्छा परफेक्ट गाजर का हलवा बन जाएगा। जब इसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। दोस्तों, सर्दियों में गाजर का हलवा खाना किसको पसंद नहीं होता, और जब बनाने की बात आती है तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, गाजर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम चीनी को गाजर के हलवे में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए फुल फ्लेम पर पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने फुल ही रखा है। फुल फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। चीनी गाजर में एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। मैं यहाँ 500 ग्राम मावा डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के हलवे में। मावा को अच्छे से मिक्स कर लेने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, गाजर के हलवे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो खत्म हो गया है। हमने इसे लगातार चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब गाजर के हलवे में बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस गाजर के हलवे को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये गाजर का परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। गाजर के हलवे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे मावा और कुछ ड्राई फ्रूट से हल्का सा गार्निश कर लेंगे, जिससे ये और भी टेम्पटिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँ। फ्रेंड्स, आप इस गर्मा गर्म गाजर के हलवे का मजा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।